हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। क्या सुम्बुल फहमान के साथ की वजह से पापा तौकीर हो रहे हैं परेशान? सुम्बुल ने खुद बताई है बड़ी वजह और खुद दिया है जवाब। आपको बता दें कि सुम्बुल के पापा को पड़ रही हैं गालियाँ। फैंस के पास अपने रीजंस हैं जिसके लिए कर रहे हैं वो उनको परेशान। काफ़ी गलत इल्ज़ाम लगाया है सुम्बुल के पापा पर। आइए क्या है पूरी खबर जानते हैं टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट में। लेकिन उसके पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आइए चलते हैं अब खबर की ओर। दोस्तों आपको बता दें कि सुम्बुल और फहमान का एक सॉन्ग शूट होने वाला था जिसके सिंगर तबिश पाशा थे। तो आज तबिश पाशा ने एक स्टोरी शेयर की जिसके थ्रू उन्होंने फैंस को बताया कि अब नहीं आ रहा है इन दोनों का कोई सॉन्ग। तबिश ने कहा कि किसी प्रॉब्लम की वजह से फहमान और सुम्बुल का सॉन्ग नहीं होगा अब और फहमान का किसी और के साथ सॉन्ग शूट होने वाला है, यानी किसी और के साथ एमवी होगा और किसी और के साथ नज़र आएंगे फहमान। आपको बता दें कि तबिश की इसी स्टोरी को फहमान ने भी शेयर किया था लेकिन बाद में फहमान ने स्टोरी डिलीट कर दी। लेकिन आपको बता दें कि सुम्बुल और फहमान यानी सुमन के फैंस बड़े दुखी हुए और इससे उन लोगों को लगा ज़रूर सुम्बुल के पापा तौकीर खान ने किया होगा मना, जिस वजह से कुछ फैंस ने उनको उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दिया और काफ़ी ज़्यादा सुनाने लगे। और फैंस ने इस म्यूज़िक वीडियो के कैंसिलेशन के लिए सुम्बुल के पापा को ज़िम्मेदार ठहराया, जिसके बाद अब सुम्बुल भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्लैरिफिकेशंस दे रही हैं। उन्होंने बताया है कि सॉन्ग ज़रूर शूट होगा। साथ ही सुम्बुल ने ये भी कहा कि ये उनका खुद का काम होगा यानी पर्सनल होगा। उन्होंने कहा कि सॉन्ग ज़रूर शूट होगा, 19 को ही होगा। कुछ लोग हैं जो बैकआउट कर गए हैं, सबके अपने फ्रेंड्स हैं, अपने रीजंस हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन किसी और की वजह से ये सॉन्ग नहीं रुकेगा, सॉन्ग शूट ज़रूर होगा। और साथ में ये भी कहा कि उसकी फैमिली को इन्वॉल्व ना किया जाए, उनका कोई भी दोष नहीं है इसमें। दोस्तों आपको बता दें कि स्टोरी के दौरान सुम्बुल काफ़ी गुस्से में लगी। उन्होंने कहा कि अपने परिवार के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं सुनना चाहेंगी और जो कुछ भी हुआ है उसमें उनके पापा की कोई गलती नहीं है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुम्बुल ने स्टोरी में बताया कि तबिश का सॉन्ग उनकी प्रायोरिटी कभी था ही नहीं, इंस्टेड कोई और सॉन्ग था जो सुम्बुल और फहमान की प्रायोरिटी था और वो अभी भी शूट होगा। यानी कि सुम्बुल के फैंस को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुम्बुल और फहमान ज़रूर नज़र आएंगे एक म्यूज़िक वीडियो में और उस म्यूज़िक वीडियो के सिंगर तबिश पाशा नहीं होंगे। वेल दोस्तों इस गुड न्यूज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।